बार फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का बिहार के दरभंगा जिला से। हम आपको बता दें कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के APJKWIT में नवनिर्मित शैक्षणिक सह प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया गया है। दिनांक 14 दिसंबर 2019 को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के तकनीकी संस्थान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान में नवनिर्मित शैक्षणिक सह प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर SK सिंह के कर कमलों द्वारा किया गया है। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए सुनते हैं एम नेहाल से उन्होंने क्या कहा है इस भवन के बारे में। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वीमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मिथिलांचल का, पूरे बिहार का और पूरे पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र महिला प्रौद्योगिकी संस्थान है, तो इसकी जो मेन बिल्डिंग बनी है जिसका नाम एकेडमिक कम एडमिनिस्ट्रेटिव कम बिल्डिंग है, आज उसका ही उद्घाटन किया गया है। और इस बिल्डिंग की विशेषता ये है कि इसके एक हिस्से में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज भी हैं और इसके दूसरे हिस्से में एकेडमिक हॉल्स, कुछ कंप्यूटर लैब्स और लाइब्रेरीज भी होंगी। तो ये इस संस्थान के इतिहास में ये एक बहुत बड़ा दिन है आज का, ख़ासतौर से कि एक ऐसा भवन आज बन के तैयार होकर मिला है जिससे इसका आने वाला समय जो है भविष्य वो एक बहुत ही बेहतर आने वाला कल दिखा रहा है। तो इससे पहले जो भवन था उसमें क्या मतलब ज़्यादा पुराना हो गया था या? हाँ, पहले जो एक्चुअली WIT जब शुरू किया गया था आज से कोई 14 साल पहले की बात है, तो वो उस समय जो भवन उपलब्ध था उसमें ही शुरू किया गया, तो वो भवन पुराने थे जो आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहने लगी और बार बार उनमें रिपेयर वर्क कराना ये होना ये मुश्किल पड़ रहा था। और जैसे जैसे हम लोगों ने नए नए विषय इसमें जोड़ना शुरू किए इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, जैसे पढ़ाई शुरू हुई थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, फिर उसमें कंप्यूटर साइंस ऐड किया गया, फिर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन MCA ऐड किया गया, अगले वर्ष हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स ऐड करना चाहते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसके लिए आपको एडिशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ने लगी, तो ये हमारी आप कह सकते हैं कि इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता का हिस्सा बन गया। नए भवन में नया क्या मिलेगा छात्रों को? जी देखिए, इस नए भवन में कुल मिलाकर 32 कमरे होंगे, 32 कमरे हैं जी, और जिनमें 4 बड़े बड़े हॉल भी हैं जिनमें के सेमिनार चलेंगे, वो सब भी है, कंप्यूटर भी चलेगा। तो छात्राओं के लिए जो उनका प्रैक्टिकल का पार्ट होता है, जैसे यहाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है और MCA, और बाद में जो मैं कह रहा हूँ कि जिसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी आ जाएगा, तो इन सब में छात्राओं को कंप्यूटर लैब की आवश्यकता पड़ती है। जितनी लैब अभी हमारे पास में है उसके अलावा एडिशनल लैब्स हम वहाँ बना पाएंगे इस नए भवन के अंदर। भवन के बन जाने पर छात्राओं के को सामने रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इसका जो एक हिस्सा एकेडमिक काम के लिए है उसमें कंप्यूटर लैब का होना, लाइब्रेरी का होना, सेमिनार हॉल का होना इत्यादि ये सब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लैब्स अभी हमारे पास में हैं कंप्यूटर के लैब्स, उसके अतिरिक्त भी ये सब सुविधाएँ छात्राओं को मिल सकेंगी, क्योंकि अभी हमारे पास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग MCA और अब आने वाले समय में हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी ऐड करने जा रहे हैं जी। तो इन सब को सामने रखते हुए इस भवन का होना एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और जिसके लिए हमें लगता है कि छात्राओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है। और यहाँ उपस्थित कौन कौन थे जो पूर्व के जो मतलब कुलपति वगैरह जी? आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक बन गया इसलिए भी कि जो हमारे अभी वर्तमान कुलपति हैं प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह, तो वो तो मौजूद थे ही, उन्होंने उद्घाटन किया। उनके साथ साथ पूर्व के एक कुलपति डॉक्टर SK सिंह, जिन्होंने इस भवन की आधारशिला रखी थी 2013 की बात नहीं है, वो भी यहाँ आए और शामिल हुए। इसके साथ साथ 2 पूर्व डायरेक्टर्स भी, निदेशक भी यहाँ के, प्रोफेसर लाल मोहन झा और प्रोफेसर ब्रजमोहन मिश्रा जी, तथा एक पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर नरेश कुमार झा, इनके साथ साथ सारे डीन, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, डीन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, इंजीनियर्स, ये सभी लोग मौजूद थे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ प्रोफेसर M. नेहाल।
डायरेक्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वीमेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थैंक यू सर।